दोस्तों आज हमारे पास Lenovo का V15 G3 IAP लैपटॉप है जिसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये लैपटॉप उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है जो लोग अपने स्टडी वर्क के लिए जैसे कि कोडिंग हुआ, वेब डेवलपिंग हुआ या फिर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करना है तो उसके लिए ये लैपटॉप बेहतर हो सकता है, या फिर उन लोगों के लिए भी बेहतर हो सकता है जो लोग नई दुकान खोले हैं उसमें सारा अपना हिसाब किताब रखना चाहते हैं यानी कि बिलिंग वगैरह रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतर ये लैपटॉप हो सकता है। और जो लोग जनसेवा केंद्र चलाते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बेहतर हो सकता है, या फिर ऑफिस वर्क के लिए लेना चाहते हैं तो भी ये लैपटॉप बजट में बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो चलिए इसी लैपटॉप के बारे में डिटेल में जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लैपटॉप का बॉक्स कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है और इस साइड में इसका पूरा स्पेसिफिकेशन दिया होता है कि इसमें क्या क्या है, कितनी मेमोरी है, क्या प्रोसेसर है, वो सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पे दिया होता है। तो चलिए अब इस लैपटॉप को निकाल लेते हैं। दोस्तों इस लैपटॉप के साथ एक मैनुअल मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें एक पावर केबल मिल जाएगा और एक 65 वाट का एडाप्टर मिल जाएगा। दोस्तों ये लैपटॉप आयरन ग्रे कलर में आता है और Lenovo में इस रेंज में जैसे 50,000 के रेंज में अगर लेते हैं तो अधिकतर लैपटॉप इसी लुक में आते हैं, जैसे कि ऊपर का जो फिनिशिंग देख रहे हैं इस तरह से और बैक साइड में ये इस तरह से दिखेंगे। दोस्तों इसके पीछे कूलिंग वेंट बहुत ही बढ़िया मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे रबड़ मिल जाता है जिससे कि ये लैपटॉप पूरी अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए रखने में टेबल पे। और दोस्तों यहाँ पे पीछे यहाँ पे दोनों साइड एक एक स्पीकर दिया हुआ है जो कि डॉल्बी ऑडियो स्पीकर है। और अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे एक 2.0 USB पोर्ट मिलेगा और एक LAN पोर्ट मिलेगा और दूसरे साइड यहाँ पे 3.2 Gen 1 का USB पोर्ट मिलेगा और यहाँ पे Type-C 3.2 Gen 1 का USB पोर्ट मिलेगा। यहाँ पे एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा और एक कॉम्बो ऑडियो जैक मिल जाएगा। दोस्तों ये लैपटॉप 180 डिग्री पे मूव हो जाता है। दोस्तों फ्रंट में वेब कैमरा मिलता है जो कि प्राइवेसी शटर के साथ मिलेगा और यहाँ पे जो स्क्रीन साइज है ये 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा जिसका रिजोल्यूशन 1920x1080 DPI का मिलेगा। और यहाँ पे चारों साइड नैरो बेजल के साथ मिलेगा जिसकी वजह से इस लैपटॉप का बढ़िया लुक मिल जाता है। और दोस्तों ये जो डिस्प्ले है इसमें 250 नीट का ब्राइटनेस मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस है। अब बात करते हैं इसके कीबोर्ड की, तो दोस्तों यहाँ पे जो जनरली इस समय जो भी कीबोर्ड आ रहे हैं उस कीबोर्ड से हल्का सा इसकी क्वालिटी चेंज की गई है। अब वैसे जो कीबोर्ड आ रहे थे इस समय उसमें ही पावर बटन दिया था, लेकिन अब क्या है कि इस 12th जनरेशन में पावर बटन को अलग कर दिया है जिससे कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है। अगर आगे चल के कीबोर्ड में कोई इशू आता है तो यहाँ पे एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा कर यूज किया जा सकता है क्योंकि पावर बटन अलग दिया हुआ है, कीबोर्ड में नहीं दिया हुआ है। लेकिन जो पिछले जो लैपटॉप जितने भी लैपटॉप थे उसमें कीबोर्ड में ही पावर बटन था, तो इसमें कस्टमर को या किसी भी यूजर को ये जरूरी हो जाता था कि कीबोर्ड चेंज कराना ही कराना, अन्यथा उस इस लैपटॉप को जो भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं उस लैपटॉप को ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे बढ़िया सा बड़ा सा एक टच पैड भी मिल जाएगा जो कि इसी में इसकी जो दोनों बटन है लेफ्ट और राइट बटन इसी में इनबिल्ट है। दोस्तों ये जो टच पैड है ये मैक्सिमम सभी लैपटॉपों में सेम ऐसा ही टच पैड मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है इंटेल का कोर i5 12th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है जिसका मॉडल नंबर है 1235U। ये प्रोसेसर 10 कोर के साथ आता है जिसमें 2 पी कोर लगा हुआ है जिसकी स्पीड 1.32 4.4 GHz तक मिलेगी और इसमें 8 ई कोर मिलेंगे जिसकी स्पीड 0.9 GHz टू 3.3 GHz तक मिलेंगे, जिसकी वजह से इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। और साथ ही साथ इसमें 12 थ्रेड मिल जाएंगे और इसमें 12 MB की कैश मेमोरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी मेमोरी और स्टोरेज की, तो इसमें 8 GB का DDR4 3200 Hz का रैम मिल जाएगा जिसे अपग्रेड करके मैक्सिमम 16 GB तक कर सकते हैं। और स्टोरेज में 512 GB NVMe M2 SSD मिलेगा जिससे कि इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाती है। अब बात करते हैं इसके पावर बैकअप की, तो इसमें 2 सेल की बैटरी लगी हुई है जो कि मैक्सिमम 6 घंटे तक का बैकअप दे सकती है। तो दोस्तों ये लैपटॉप इन सारे स्पेसिफिकेशन के साथ बहुत ही कम बजट में मिल जाता है और ये आपके सभी कामों को पूरा कर सकता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि यदि आप स्टूडेंट हैं वेब डेवलपिंग के लिए या फिर कोडिंग के लिए,
फिर या किसी ऑफिस वर्क के लिए लेना चाहते हैं, तो एक बेहतर लैपटॉप लेना चाहते हैं कम बजट में, तो ये लैपटॉप आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। इसका 1 ईयर के ऑन साइट वारंटी भी मिल जाती है। तो दोस्तों ये लैपटॉप लगभग 45,000 से 50,000 के रेंज में मिल जाता है। इसका हमेशा प्राइस अप डाउन होता रहता है, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।